ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धरियाबाद और वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। दोनों पार्टी के नेता इन दिनों एक दूसरे पर खूब निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अनुभवहीन नेता बताया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया की हैसियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का वल्लभ नगर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। धरियाबाद और उपचुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई बड़े नेताओं के दौरे को लेकर पूछे जाने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि डोटासरा कोई बड़े नेता नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से नेता बड़ा नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत अनुभव भी होना चाहिए। कटारिया ने यह भी कहा कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर भाषण की ही बात है तो दोनों पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर बैठा लो, फिर पता चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि झूठे भाषण देने में उनकी महानता है क्योंकि वह आरएसएस के व्यक्ति है। मैं तो बड़ा नहीं हूँ, पर वह कैसे बड़े हुए। कटारिया जैसा सीनियर आदमी 8 बार के विधायक और उनको एक टिकट के लिए मेवाड़ में नहीं पूछा गया। कटारिया की हैसियत क्या रह गई भाजपा में, यह मैं पूछना चाहता हूँ। 3 टिकट तक वो अपनी मर्जी से दिलवा नहीं पाए, खुद कह रहे हैं फांसी खाकर मर जाऊं क्या। बता दे उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया के पिछले दिनों वायरल हुए ऑडियो को लेकर कहा कि कटारिया खुद कह रहे हैं कि वल्लभ नगर से इनका उम्मीदवार सांसद का पार्टनर है, मगर किस में पार्टनर है ये भी तो बताओ। कोई अवैध धंधा तो नहीं कर रहा है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग भी पकड़ी गई है, किस बात का पार्टनर है जो इतने पैसे वाला है। आपको बता दे वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर के पास ही वल्लभ नगर सीट की जगह धरियावद पर ज्यादा फोकस कर रखा है। सूत्रों का कहना है कि अपने विवादित बयानों के बाद कटारिया ने वल्लभ नगर से दूरी बना रखी है, साथ ही अपने समर्थक को टिकट नहीं दिए जाने से भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब तक एक बार भी वल्लभ नगर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। पिछले 11 दिनों में एक बार भी वल्लभ नगर नहीं जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके ठीक उलट कटारिया धरियावद सीट पर रोज प्रचार कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से कटारिया धरियावद में ही कैंप कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।